तो ये मोटे तौर पर जो है बीकानेर जिले की बात हुई। हाँ, अगर हम अच्छा, देखें तारानगर में भी वीरेंद्र बेनीवाल की भूमिका आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल लक्ष्मण, उस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बहरोड़ से भाजपा के जसवंत यादव जीते हैं। बहरोड़ से ये जीत भाजपा की, हालांकि यहां से कड़ी टक्कर जरूर मिल रही थी उन्हें, लेकिन बहरोड़ से भाजपा के जसवंत यादव ने जीत दर्ज कर ली। आखिरकार बहरोड़ से जीते हैं, यानी भाजपा के खाते में एक और सीट। देखिए रुझानों की तो हम बात करते विजय, लेकिन जिस तरह से जीत एक के बाद एक, 16,000 से ज्यादा वोटों से जसवंत यादव जीत कर आए हैं। श्वेता, इस सीट से बलजीत यादव निर्दलीय के तौर पे हैं, कांग्रेस से वो चुनाव लड़े नहीं, उन्होंने पूरे राजस्थान को बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर नापा, पैदल चलकर नापा, लेकिन शायद वो अपनी सीट पर जनता की नब्ज को नहीं नाप पाए। और इसलिए देखिए कि जसवंत यादव चुनाव जीत गए। लक्ष्मण राघव कुछ कह रहे हैं, लक्ष्मण क्या कह रहे हैं आप? विजेंद्र, जोरदार बात है, जसवंत यादव खुद टिकट नहीं चाह रहे थे, बार बार आपको याद होगा विजेंद्र अपने पुत्र मोहित को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने जसवंत यादव को टिकट दिया और जसवंत यादव ने चुनाव जीता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रचार करने पहुंची थी वहां। बिल्कुल विजेंद्र, और वो माने जाते हैं कि वसुंधरा कैंप के बहुत नजदीकी हैं। ठीक है लक्ष्मण, वापस आपके पास आएंगे। ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि लगातार आंकड़े आ रहे हैं, जसवंत यादव बहरोड़ से जीते हैं, बलजीत यादव हार गए हैं, आपके पास आए, उससे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुंडावर से कांग्रेस के ललित यादव जीते हैं, मुंडावर से कांग्रेस के ललित यादव जीत गए हैं, बीजेपी प्रत्याशी हार गए हैं। एक एक करके हम आपको अब पूरी सीटों की तस्वीरों को साफ कर रहे हैं कि कहां कितने जीत गए, कहां कौन हार गया, क्योंकि रुझान से लेकर श्वेता परिणाम तक फर्स्ट इंडिया सब कुछ पहले बताएगा, ये वादा निभा रहा है। और ये भी अच्छी बात है कि जगह जगह से हमारे पास व्हाट्सएप पे तस्वीरें आ रही हैं कि देखिए हम आपको देख रहे हैं, हम फर्स्ट इंडिया को देख रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अब सबसे जरूरी हो गया कि किस सीट में किसने जीत दर्ज कर ली है। मुंडावर से कांग्रेस के ललित यादव यहां से जीते हैं, कांग्रेस के लिए कह सकते हैं अच्छी खबर है, हालांकि रुझानों में भी कांग्रेस पीछे है, लेकिन अब जीत, जब हम जीत की बात करें तो एक तरफ से जैसे बीजेपी के खाते में जीत जा रही थी, और इस बीच में मुंडावर से अच्छी खबर कांग्रेस के लिए, जहां ललित यादव ने जीत दर्ज कर ली है। हालांकि कुछ और सीटें जिसमें बढ़त नजर आ रही है, लेकिन जरूरी है कि अब उसमें भी तस्वीर साफ हो। लेकिन बड़े बड़े चेहरे ऐसे हैं, फिर चाहे कुछ बीजेपी के हो और ज्यादा कांग्रेस के, जो लगातार पीछे चल रहे हैं, और ऐसे में किसी भी वक्त जब परिणाम और तस्वीर साफ होगी तो ऐसे में आकलन भी होगा, क्योंकि इनकी साख दांव पर है। कई बड़े नाम ऐसे जिनके साख दांव पर है, पार्टी जीते ना जीते, सरकार बने या ना बने, लेकिन खुद की जीत कितनी मायने रखती है और जीत होती है या नहीं। इस बीच एक और अहम खबर, बहरोड़ विधायक बलजीत यादव से मारपीट हुई है, अभी ही तस्वीर साफ हुई जीत हार को लेकर, मतगणना केंद्र के बाहर मारपीट हुई है। ये सुबह से मेरे ख्याल से अब तक की पहली इस तरह की खबर है, मारपीट की। पहली खबर है श्वेता कि इस तरीके की घटना घटे, हालांकि वहां पहले से ही हाई वोल्टेज, ये चुनाव चल रहा था, एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाए गए थे। आपको ध्यान होगा कि एक दौर में तो बलजीत यादव और बाकायदा बाबा बालकनाथ दोनों के बीच में एक लंबी तंज चली है, लेकिन यहाँ मारपीट हुई है। मारपीट अब किसने की है, जाहिर है जब आप बलजीत यादव के समर्थकों से बात करेंगे तो शायद वो जसवंत यादव की तरफ इशारा करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, और बड़ी खबर खेमसर से है। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल आगे हैं, और ये चौंकाने वाली घटना इसलिए थी क्योंकि वो पीछे चल रहे थे, और यहाँ जहाँ आरएलपी सत्ता परिवर्तन की बात कर रही थी, जहाँ किंगमेकर बनने की बात हो रही थी, वहां इस सीट पर ही हनुमान बेनीवाल फंसे हुए नजर आए थे। लेकिन अभी आरएलपी के लिए राहत की बात ये कि हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से खिमसर से आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन श्वेता, आपने दिग्गज और बड़े चेहरों के साथ पार्टी का जिक्र किया, और उनमें सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है वर्तमान में वो राजेंद्र राठौड़ है, उनका जो अंतर वो बढ़ता जा रहा है, अब वो 10,148 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी अभी भी उम्मीद कर रही होगी कि भाई अभी उन राउंड की ईवीएम का खुलना बाकी हो जहां राजेंद्र राठौड़ समर्थित वोट पड़े हो। रतनगढ़ से भी ऐसी तस्वीर है लक्ष्मण, क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए उनका रुख करें, उससे पहले ऐश्वर्य का रुख कर लेते। ऐश्वर्य, राजेंद्र राठौर यहाँ पर 10,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं, तो रतनगढ़ की बात कर ले, यहाँ से भी पीछे चल रहे अभिनेश महर्षि, ये भी वोटों का डिफरेंस 15,000 के ऊपर है। ऐश्वर्य, बड़ा नाम है राजेंद्र राठौर, अंतर क्या लगता है कि भर पाएगा? सभी की नजर है, क्योंकि ये
दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हुई मानकर चल रही थी और जब तक इसका अंतिम परिणाम घोषित नहीं होगा तब तक कोई कुछ मानेगा भी नहीं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मैं जानकारी आपको दे दूं कि मंजीत धर्मपाल चौधरी राजेंद्र राठौड़ के अजीज मित्र धर्मपाल चौधरी के पुत्र हैं और मंजीत धर्मपाल यदि इस बार हारे हैं तो इसका बड़ा कारण यह है कि जनता के साथ उनकी कनेक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि मंजीत धर्मपाल को लेकर वहां पर आम लोगों में धारणा बन गई थी भाई साहब वो विदेश चले जाते हैं तो उनके साथ हम कैसे संवाद रख पाए, यही कारण रहा कि मंजीत इस बार हार गए हैं। दूसरा, राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी जीती है तो आपको चाहेंगे, तस्वीरें दिखा रहे हैं श्वेता, तस्वीरें सर देखिए, ये वो तस्वीरें जिनका जिक्र हम कर रहे थे, बलजीत यादव के साथ मारपीट और ये वाकई में जोरदार तरीके से मारपीट की गई है। आप इन तस्वीरों को जरा देखिए, हालांकि इस तरीके की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए क्योंकि हार जीत होती रहती है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। और ये सीट वैसे भी श्वेता हाई वोल्टेज रही है, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से वर्तमान विधायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जसवंत यादव को शायद वो सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा और इसलिए वर्तमान विधायक के साथ मारपीट होना वहां उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल विजय, सवाल ये भी उठता है कि क्या यहां पर कोई बातचीत हो गई या पहले से कोई नाराजगी थी जो